नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिसाकोडील टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बिसाकोडील टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बिसाकोडील टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बिसाकोडील टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिसाकोडील टैबलेट का उपयोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। बिसाकोडील टैबलेट एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव दवा है जो शरीर की आंतों की मूवमेंट को बढ़ा देती है और आंतों में मौजूद स्टूल को बाहर निकालने में मदद करती है। डॉक्टर कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स करने से पहले भी पेट की आंतों को अच्छी तरह से साफ करने के लिए भी बिसाकोडील टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। बिसाकोडील एक सॉल्ट नेम है। बिसाकोडील टैबलेट को ड्यूरकोफ्लेक्स, फ्रीलेक्स और जर्बीसा ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। बिसाकोडील टैबलेट 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बिसाकोडील टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बिसाकोडील टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, दस्त होना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना और स्टूल में ब्लड आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिसाकोडील टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बिसाकोडील टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। यदि आप बिसाकोडील टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना चाहते हैं, तो आपको बिसाकोडील टैबलेट को खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना चाहिए, और यदि आप बिसाकोडील टैबलेट को खाना खाने से पहले लेना चाहते हैं, तो आपको बिसाकोडील टैबलेट को खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए। बिसाकोडील टैबलेट को लेने के बाद पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बिसाकोडील 5 mg की 2 टैबलेट को एक साथ लेने की सलाह देते हैं। बिसाकोडील टैबलेट को दिन में 1 बार और शाम के समय लेना रेकमेंडेड होता है। बिसाकोडील टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बिसाकोडील टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। बिसाकोडील टैबलेट को हल्के गर्म पानी के साथ लेना रेकमेंडेड होता है। बिसाकोडील टैबलेट को दूध, दही, लस्सी या दूध से बने किसी भी अन्य डेयरी प्रोडक्ट के साथ लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए बिसाकोडील टैबलेट को दूध, दही, लस्सी या दूध से बने किसी भी अन्य डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना चाहिए। बिसाकोडील टैबलेट अपना असर दिखाने के लिए 6 से लेकर 12 घंटे तक का समय ले सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिसाकोडील टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बिसाकोडील टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लगातार 5 दिन से ज्यादा बिसाकोडील टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि लंबे समय तक बिसाकोडील टैबलेट का सेवन करने की वजह से आंतों की नॉर्मल कार्यप्रणाली बिगड़ सकती है और बिसाकोडील टैबलेट की आदत पड़ सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या बनी रहती है, तो पहले उसके कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होने के कारण का पता लगाए बिना बिसाकोडील टैबलेट का सेवन लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। अगर आप पेट में गैस या एसिडिटी को कम करने के लिए कोई एंटासिड दवा लेते हैं, तो आपको बिसाकोडील टैबलेट और उस दवा के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और हर रोज कम से कम 8 से लेकर 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करना चाहिए और कच्चे फलों व सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। पेट की आंतों में रुकावट होने पर, आंतों में सूजन होने पर, बुखार होने पर, अपेंडिसाइटिस होने पर, पेट में बहुत तेज दर्द होने के साथ साथ उल्टी आना या उल्टी आने का मन होने पर,
शरीर में डिहाइड्रेशन होने पर यानी शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर बिसाकोडील टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना बिसाकोडील टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बिसाकोडील टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बिसाकोडील टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर स्तनपान करा रही महिलाओं को बिसाकोडील टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बिसाकोडील टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।